हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा छठवीं की एट ग्रेड अभ्यवस्था लेके आ चुका हूँ, वो भी सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, तो जो सामाजिक विज्ञान की जो आपकी एट ग्रेड अभ्यवस्था आपको स्कूल द्वारा मिली है, तो मैंने आपका पार्ट 10 तक का संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपकी लग जाती है पृथ्वी हमारा आवास, मतलब कि यहाँ से आपका भूगोल लग जाती है। ठीक है, भूगोल, ठीक है, वो जो हमने 1 से 10 तक कराया है वो इतिहास था, अब यहाँ से आपका भूगोल लग जाता है। तो मैं भूगोल में आपके 6 अध्याय दिए गए हैं। कितने अध्याय? 6 अध्याय। तो 6 अध्याय का मैं संपूर्ण रूप से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं करना, बड़े चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसका अध्याय पहला दिखा देता हूँ आपको। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लगा अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो ये आपके पाठ का नाम है। तो ये लगा अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। तो इस आप लोग को जानने के लिए बता दूं मैं, सब प्रथम रहेंगे आप लोग सामने फर्स्ट में प्रश्न, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ए प्रश्न है, वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको 1 को सही करना है। तो किस प्रकार से करना, चलिए वो बता दें। पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, प्रश्न नंबर 1, बुध ग्रह सूर्य के की एक परिक्रमा पूरा करता है। जो बुध ग्रह है वो सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, तो वो कितने दिन में करता है? यहाँ पर 59 दिन में, या 88 दिन में, या 27 दिन में, या 255 दिन में? तो आप लोगों को जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दें। तो जिनको पता है वो बता सकते हैं, जिनको नहीं पता है तो मैं उनकी जानकारी बता दूं, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसमें आ जाएगा आपका 88 दिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है। चलिए इसी बात बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर दूसरे में लिखा है, पृथ्वी का उपग्रह है। जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, कि बृहस्पति है, कि मंगल है, कि शुक्र है? बताइए। अब आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उनके लिए आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर दूसरे वाले का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर चंद्रमा, तो आपका ये चंद्रमा सही आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पहले का बी ऑप्शन और दूसरे का ए ऑप्शन हो जाता है, वो आप लोग यहाँ पर उत्तर की जगह पर लिख भी सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है, पृथ्वी के संबंध में कथन सही है नहीं है? तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर सही नहीं पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सी ऑप्शन, जिसमें लिखा है आकाश में सबसे बड़ा ग्रह, तो आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए पढ़ते नेक्स्ट हो। नेक्स्ट ऑप्शन है चौथे में लिखा है, तारों के समूह द्वारा बनाई गई विधि आकृतियां कहलाती हैं। तो कौन सी आकृतियां कहलाती हैं? चलिए, तो वो कहलाती है आपकी नक्षत्र मंडल, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाता है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है, सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह पर होगा? जो सूर्य है, जो सूर्य से गर्मी निकलती है, ताप बोला जाए, तो वो सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह पर होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा आपके सामने बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र पर। किस पड़ेगा? शुक्र पर। तो आपको बी ऑप्शन टिक करके यहाँ पर लिख देना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 आपके फर्स्ट में प्रश्न थे, यानी सही विकल्प थे, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थान, यानी कि खाली स्थान को आपको भरना है, किस प्रकार से भरना वो मैं आपके सामने बताऊँगा। तो पहले देख लेते, पहला रिक्त स्थान लिखा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर लोगों के 150 मिलियन। ठीक है, यहाँ पर आप उसका आंसर सही लिख लेंगे, 150 मिलियन, जो पहले में आ जाएगा। बी वाले ऑप्शन में लिखा है, ध्रुव की सहायता से दिशा का पता था, कौन सी दिशा का? उत्तर दिशा का पता लगता है। ठीक, अगला सी वाला, तो सी वाला मैंने भरा नहीं, जो कि ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, तो ग्रहों का चक्कर कौन लगाते हैं? तो अगर आप लोग पता है तो आप लोग लिख सकते हैं, या कमेंट में बता सकते हैं, या आप लोग सर मैम से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे इसका सही आंसर पता नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैंने आपका गलत नहीं करवाना चाहता हूँ। तो आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो, या अपने मैम सर से पूछ भी सकते हो। तो डी वाले में लिखा है, सूर्य के निकटतम ग्रह का ग्रह है, तो जो सूर्य है उसके निकटतम ग्रह कौन सा है? तो अब बुध हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग बुध भर देंगे। अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें लिखा है, सूर्य एक है, तो सूर्य एक तारा है। तो जो आप लोग देख सकते हो वीडियो को रुककर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के रिक्त स्थान आप लोग पूछ रहे अपने बुक में भर सकते हो। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो बताइए आप लोग खगोलीय पिंड कैसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर देख रहे हैं। तो खगोलीय पिंड आप लोग सामने जिले कहाँ पर, इसका आंसर लेंगे, सौरमंडल में पाए जाने वाले सभी तारे ग्रह उपग्रह को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो सौरमंडल में जितने भी ग्रह पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो आप लोग ये आंसर पूरा वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है, प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय का दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो अब इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का वीडियो रोक कर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है, चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख सकते हैं?
जैसे चंद्रमा हुआ या तारे हुए, तो हम दिन में क्यों नहीं देख सकते, तो एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे जी। सूर्य के तेज प्रकाश के कारण चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय नहीं देख सकते, तो किसकी वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से हम लोग नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लगा है उपग्रह किसे कहा जाता है एवं वे कितने प्रकार के होते हैं। जो उपग्रह हैं वो किसे कहते हैं, मतलब उपग्रह किसे कहा जाता है, वो ये उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि उपग्रह एक ऐसी वस्तु है जो किसी पिंड आमतौर पर किसी ग्रह के चारों ओर एक सुसंगत और स्थित कक्षा में होती है। उपग्रह को मुख्य प्रकाश से प्राकृतिक उपग्रह और दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह जिन्हें मनुष्य ने पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में लॉन्च किया, उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जो कि अभी वीडियो का पूरा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है सूर्य के दूसरे क्रम ग्रह कौन सा है, वह पृथ्वी एक चक्कर कितने दिनों में पूर्ण करता है, मतलब कि सूर्य के दूसरे क्रम में कौन सा ग्रह है और वह मतलब कि कितने दिन में पूर्ण करता है, तो उसका आंसर लिखेंगे ना, तो उसका आंसर जी लिखेंगे सूर्य के दूसरे क्रम में ग्रह शुक्र है, वह पृथ्वी का एक चक्कर 243 दिन में पूर्ण कर लेता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा है ब्रह्मांड का निर्माण किन किन आकाशीय पिंडों द्वारा होता है, तो इसका आंसर लिखेंगे आप यहाँ से, ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब बरस पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप और घनत्व अत्यंत था। बिग बैंग प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर वीडियो को रोककर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, जो पृथ्वी है उसे सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा सारा आंसर है, तो इसका आंसर लोग यहाँ से लिखेंगे पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसे कई कारक हैं जो इसे जीवन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसमें विविध प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र, स्थिर जलवायु, तरल पानी है। यह एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जो मनुष्यों के सहित जीवन के कई रूपों को समर्थक करता है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कम्प्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है कि आकाशगंगा को समझाइए, ठीक है क्वेश्चन है आकाशगंगा को समझाइए, आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो आकाशगंगा किसे कहते हैं, चलिए इसका आंसर लिखते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे आकाशगंगा एक विशाल अंतरिक्ष प्रणाली है जो सितारों, धूल, अंतरिक्षीय गैस, तैराकी अवशेषों और डार्क मैटर से बनी होती हैं और सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। गैलेक्सी शब्द ग्रीक शब्द गैलेक्सी से भी लिया गया है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है तारा तथा ग्रह में अंतर लिखिए, यानी तारे तथा ग्रह में अंतर लिखना है, तो इस प्रकार से आप लोग को एक तरफ लिखना है तारे, एक तरफ लिखना है ग्रह। तो पहले ही पॉइंट देख लेते हैं, तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग तारे किसी आकाशीय पिंड के चारों चक्कर नहीं लगाते, और ग्रह में लगेंगे ग्रह तारों सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसमें लगेंगे ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। तीसरे लगेंगे तारे अपनी स्थिति नहीं बदलते, और तारों की अपेक्षा सभी ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से वीडियो गुरु का पूरा तारे और ग्रह मंत्र लिख लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि सौरमंडल का नामक चित्र बनाइए, तो सौरमंडल का आप लोग चित्र बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, जो मैंने अपने हाथों से आप लोग सामने यहाँ पर बनाया है, तो ये रहा आप लोग सामने यहाँ पर सौरमंडल का चित्र, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य हो जाता है, इस प्रकार से पूरे आपके एक ग्रह हो जाते हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पूरी तरह से बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ने पूरा आपका ये पार्ट, आपका जो पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आप लोग दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर लेना, थैंक्स लिखें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। इसके आगे ये दूसरे पार्ट की वीडियो आ रही है, दूसरे पार्ट का नाम है ग्लोब अक्षांग एवं देशांतर रेखाएं, तो उसका उपयोग संपूर्ण सोल्यूशन लाऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।